नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ पिलाई 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी के थाना फुर्सतगंज पुलिस व आबकारी टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान कुल 175 पेटियों में लगभग 1544.4 लीटर अवैध विदेशी शराब, कुल कीमत लगभग 11,79,000 व एक अदद बोलेरो पिकअप गाड़ी के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी फुर्सतगंज संदीप राय ने बरेली की तरफ से आ रही बोलेरो पिकअप को रोककर जांच पड़ताल में बोलेरो पिकअप विदेशी मदिरा से भरी हुई थी। पुलिस ने कानपुर निवासी चालक व साथ बैठे व्यक्ति को गिरफ्तार कर 56/19 धारा 60, 63 व 72 आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सर, ये जो भारी मात्रा में विदेशी मदिरा पकड़ी गई है, इस बारे में सर पूरी जानकारी। दिघिया बॉर्डर पड़ता हमारा पुरुषोत्तम थाने का, यहाँ हमारी पुलिस चेकिंग कर रही थी। थाना अध्यक्ष स्वयं मौजूद थे और आबकारी इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। इनकी चेकिंग के दौरान एक बोलेरो आई, इनको हाथ दिया, इन्होंने नहीं रोकी। रोकने के बाद पकड़ा गया, इसको चेक किया गया तो भारी मात्रा में ये अवैध शराब पाई गई। इसको पूछा गया, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। थाना लाके इधर जब देखा गया तो ये बांदा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बबेरू क्षेत्र में लोकसभा के प्रत्याशी के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। गरीब परिवार के लिए उजाला योजना, आयुष्मान भारत जैसी कई योजना भी चलाई गई हैं। आपको बता दें कि योगी जी ने आगे बोलते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आज देश सुरक्षित हाथों में है। पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए हम लोग चित्रकूट तक विशेष एक्सप्रेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे बुंदेलखंड दिल्ली से जुड़ जाएगा और औद्योगिक विकास भी होगा और चित्रकूट को वैश्विक मानचित्र में स्थापित कराया जाएगा। नौजवानों को पलायन से रोका जाएगा, उन्हें यही रोजगार देकर सबल बनाया जाएगा। इसके लिए आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने झांसी में इसका उद्घाटन किया है। पूरे बुंदेलखंड को दिल्ली के साथ जोड़ने, लखनऊ के साथ जोड़ने के लिए और बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास करने के लिए, चित्रकूट को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण करने जा रहे हैं। भाई बहनों, दूसरा पेयजल की व्यवस्था पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार आपके लिए करने जा रही है। इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जो कार्य वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, आपके पास कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा पूछना, ये प्रश्न करना कांग्रेस से। 55 वर्षों तक देश में शासन किए उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडों ने और उनके लोगों ने जितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था उसे कब्जे से मुक्त करके हर जिले को हमने पर्याप्त धनराशि दी है कि हर जिले में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाओ और जहां नहीं बनेगा वहां जवाब देई भी 23 मई के बाद में तय करने वाला हो कि क्यों नहीं बनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।